कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपना अपना दमखम दिखाने में जुटे हैं। वहीं अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी ने 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अपने कुनबे को बीजेपी बढ़ाती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, प्रभावी दलों और लोगों को जोड़ने की रणनीति के तहत ओम प्रकाश राजभर को साथ लाने में बीजेपी को सफलता मिली है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर का पूर्वांचल की कुछ सीटों पर असर रहता है। जानकारी के अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने सपा के साथ मिलकर नए सहयोगी बीजेपी को काफी डैमेज किया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्वांचल के कुछ जिलों में बीजेपी खाता भी नहीं खोल सकी थी। गाजीपुर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जिलों से बीजेपी का सफाया हो गया था। इसलिए बीजेपी अब बहुत सतर्क होकर कोई भी काम करना चाहती है और 2024 के चुनाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। जानकारों का कहना है कि अपना दल और निषाद पार्टी के बाद सुभाषपा को एनडीए का साथ मिलने से बीजेपी की स्थिति पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में अब मजबूत हो जाएगी। 2019 के चुनाव में पूर्वांचल और अवध की हारी सीटों पर सहयोगी बीजेपी को मजबूती देंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सुभाषपा को हाथों हाथ लेने की एक बड़ी वजह ओपी राजभर का बिरादरी के वोटों पर पकड़ है। बीजेपी की तरफ से चेहरा तैयार करने की कवायद के बावजूद ओम प्रकाश राजभर का विकल्प नहीं मिला। सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका में ओपी राजभर ने बिरादरी पर फैट बनाने का प्रयास लगातार जारी रखा। इस वजह से सुभाषपा प्रमुख की पूछ लगातार बनी हुई है। पूर्वांचल के आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग आधा दर्जन जिलों में बीजेपी की स्थिति काफी कमजोर हुई है। इतना ही नहीं, राजभरों का वोट नहीं मिलने के कारण गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ समेत दर्जन भर जिलों में बीजेपी को करीब 25 से 30 सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ा था। अगर 2019 के चुनावी नतीजों को देखें तो बीजेपी को अंबेडकर नगर में करीब 4,68,238 वोट मिले थे। वहीं बसपा को 5,64,118 मत मिले थे, जिसके बाद बसपा विजयी साबित हुई थी। ऐसे ही गाजीपुर में बीजेपी को 4,46,690 और बसपा को 5,66,082 मत मिले थे। वहीं आजमगढ़ में की अगर बात करें तो आजमगढ़ में 6,21,578 मत सपा ने प्राप्त किया था और बीजेपी के खाते में 3,61,704 वोट ही आए थे। लेकिन बाद के उपचुनाव में बीजेपी की सीट पर आजमगढ़ से निरहुआ को जीत मिली थी, जिसके बाद बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने आगे कदम बढ़ाना शुरू किया। क्योंकि अगर चुनावी नतीजों को ध्यान से देखें तो 2017 में ओम प्रकाश राजभर और सुभाषपा अकेले दम पर भले कुछ ना कर सके हो, पर गठबंधन के बाद उनकी पार्टी ने दूसरे दलों का खेल बिगाड़ा जरूर है। चुनावी आंकड़ों की माने तो राजभरों की आबादी करीब 2.40% है। हालांकि पूर्वांचल की अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, श्रावस्ती, बहराइच, संत कबीर नगर, बस्ती, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, चंदौली आदि जिले की एक दर्जन सीटों पर राजभर समुदाय का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है और यही कारण है कि राजभर का वोट छिटकने की डर से बीजेपी ने गठबंधन का दांव चल दिया। पिछड़े चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालने पर पता चलता है कि सुभाषपा का किन क्षेत्रों में क्या प्रभाव है। राजभरों की वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने दांव चला और ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ ले आई। अब कहा यह जा रहा है कि अपना दल और निषाद पार्टी के बाद जिस तरह से सुभाषपा का साथ एनडीए को मिला है, उसके बाद बीजेपी की स्थिति पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में अब मजबूत हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।